कभी ना कभी आपने भी दुनिया में कोई एपोकैलिप्स फैल गया या दुनिया खत्म होने वाली है ऐसा जरूर सोचा होगा। सोचने के बाद आपका पक्का एक ऐसी एपोकैलिप्स वाली मूवी देखने का मन किया होगा। पर कौन सी एपोकैलिप्टिक मूवी देखे, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप एकदम सही चैनल पे आए हैं। तो आज मैं आपको 5 एकदम कमाल की एपोकैलिप्स मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें देखने के बाद आप इन्हें जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो शुरू करते हैं 5 बेस्ट एपोकैलिप्स मूवीज और नेटफ्लिक्स का रिव्यू। नंबर 5 पे है 2018 की हाउ इट एंड्स। अगर आपको मिस्टीरियस डिजास्टर वाली मूवीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। विल, जिसकी फियोंसे सियाटल में एक मिस्टीरियस डिजास्टर की वजह से फंस चुकी है और वहाँ के सारे टीवी और कम्युनिकेशन नेटवर्क सब कुछ जाम हो चुके हैं, तो विल और उसके फादर इन लोग उसे कैसे वहाँ से बचाते, स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस मूवी में एक डिजास्टर होने के बाद क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाया है। मुझे इस मूवी की स्टोरी लाइन उतनी ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगी, पर इसने एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाया है। तो अगर आपको कोई डिजास्टर एपोकैलिप्टिक मूवी देखनी है तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पे 2020 की अलाइव। अगर आप भी मेरी तरह जोम्बी एपोकैलिप्टिक मूवीज के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। पूरे कोरिया में एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से सब लोग जोम्बी बन जाते हैं, वहीं एक लड़का और एक लड़की कैसे सर्वाइव करते हैं स्टोरी इसी के कारण रिवॉल्व करती है। मूवी कोरियन है तो जोम्बी सीन्स तो कमाल के ही होंगे और दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई है। इस मूवी ने जो सस्पेंस बिल्ड किया है एकदम कमाल का, हर एक सेकंड ऐसा लगेगा आपको कि अब ये दोनों गए पर फिर किसी न किसी तरह से बच जाते हैं। तो कोरिया की ट्रेन टू बुसान का मिनी वर्जन देखना चाहते हो तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे 2018 की अ क्वाइट प्लेस। सोचो अगर आपको बिना कुछ बोले और कोई आवाज करे सर्वाइव करना हो तो कैसा लगेगा, और अगर आपने कुछ बोला तो आपको मॉन्स्टर उठा के ले जाएगा। पूरी दुनिया में एक ऐसे क्रिएचर्स घूम रहे हैं जो जरा सी आवाज पे ह्यूमंस को मार देते हैं, वहीं एक फैमिली इनसे बच के कैसे सर्वाइव करती है इसकी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। मूवी का कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक और एंगेजिंग लगी और बिना किसी डायलॉग और म्यूजिक के भी मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। शुरू के 30 मिनट तो मूवी के बहुत ज्यादा स्लो है, पर अगर आपने पेशेंटली उसे पार कर लिया तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। इस मूवी को कहीं डार्क और साइलेंस में ही देखना, वरना आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा साइलेंट है। तो अगर बहुत ही ज्यादा यूनिक एपोकैलिप्टिक मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी 2 पार्ट के साथ नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे है 2020 की लव एंड मॉन्स्टर्स। अगर कोई ऐसी एपोकैलिप्टिक मूवी देखना चाहते हो जिसमें मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हो तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। एक एपोकैलिप्स की वजह से पूरी दुनिया में मॉन्स्टर आ जाते हैं और ह्यूमंस को छुप के एक बंकर में रहना पड़ता है। वहीं जोल अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढने के सफर पर निकलता है जिससे वो 7 साल पहले बिछड़ गया था, तो अब वो उसे कैसे ढूंढता है और कैसे इन डेडली मॉन्स्टर से बचता है ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। मूवी ने जो एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को बहुत अच्छे से दिखाया है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस मूवी ने जो कॉमेडी रोमांस और एपोकैलिप्स का मिक्सचर बहुत अच्छे से दिखाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप कोई कमाल की सर्वाइवल मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे जो मूवी है मूवी नहीं बल्कि एक मास्टरपीस एपोकैलिप्टिक मूवी है जिसे सबको एक बार देखनी चाहिए। एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जिसे अगर किसी ने देखा तो वो वहीं सुसाइड कमिट कर लेगा। इसी दुनिया में एक माँ अपने बच्चों को कैसे बचाती है इसकी स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। मूवी ने जो सस्पेंस बिल्ड किया है वो एकदम कमाल का है और वो आपको आराम से हुक कर लेगा। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है और हर एक सेकंड आप यही सोचते रहोगे कि अब आगे क्या होगा। मैंने इससे ज्यादा एंगेजिंग मूवी इससे पहले कभी नहीं देखी और इतना ज्यादा सस्पेंस जो आखिरी तक समझ नहीं आता। तो अगर आप कोई मास्टरपीस एपोकैलिप्टिक मूवी की तलाश में हो तो 2018 की बर्ड बॉक्स नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। तो ये थी मेरी टॉप 5 बेस्ट एपोकैलिप्स मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स। अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कमाल की मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन के साथ।